दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं। आजादी के बाद दूसरे दिन ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर का निर्माण रोका कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे। अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता। भाई और बहनों, यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और जाड़ू पार्टियां दो है लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। और इसलिए मैं पंजाब के लोगों को प्रार्थना करता हूं कि इनसे सावधान रहना है। जो आप जिसको वो अपना गुरु मानते थे, वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं, ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन को न विकास की परवाह है और न ही हमारी विरासत की चिंता। आजादी के बाद दूसरे दिन ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर का निर्माण रोका। अब जब मंदिर बन गया तो मंदिर को गालियां दे रहे हैं। आज दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बना हवाई अड्डा करता है। लेकिन इन्हें हर उस बात से नफरत है जिससे हमारी आस्था का सम्मान होता है। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे।
और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता।